सो गाइस फाइनली मैंने अपना जिंदगी का पहला कॉन्सोल ले लिया। वैसे जिंदगी का पहला कॉन्सोल नहीं है क्योंकि मैंने पहले भी प्लेस्टेशन 2 यूज़ कर रखा है एंड प्लेस्टेशन पोर्टेबल भी यूज़ कर रखा है। एंड मेरे को कॉन्सोल्स में बहुत पहले से ही यहाँ पे इंटरेस्ट था क्योंकि कॉन्सोल्स गेम्स आर अमेजिंग, जो पीसी में आपको नहीं मिल सकता है। जो कॉन्सोल्स गेम है ना उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपको पीसी गेम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कॉन्सोल्स गेम्स खेलने में अलग ही मज़ा आता है। और इसको मैंने नया नहीं खरीदा, इसको मैंने यूज़ खरीदा है, ठीक है। और इसको मैंने आधे से भी कम प्राइस में खरीदा है। तो आप सोचते रहोगे कितना मेरा प्राइस में खरीद रखा है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग प्लेस्टेशन 4 के बारे में बात करने वाले हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा जो वेरियंट है वो यहाँ पे 1TB जेट ब्लैक वाला वेरियंट है। और मेरे को इसके साथ क्या क्या मिला है, बेसिकली ये सेकंड हैंड वेरियंट है तो भाई बहुत सारे चीज़ें मिसिंग होते हैं। बट मेरे को क्या क्या मिला है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। बेसिकली मेरे को खुद को भी नहीं पता कि प्लेस्टेशन 4 के साथ एक्चुअली में क्या क्या आता है, बट मेरे को ये कितना प्राइस में मिला है। एंड अगर आप भी यहाँ पे प्लेस्टेशन 4 खरीदने का सोच रहे हो या फिर प्लेस्टेशन 4 यू नो लेना चाहते हो वो भी यूज्ड मार्केट में, तो आपको कितने प्राइस में इस तरीके के जो कॉन्सोल्स उसको खरीदने चाहिए। तो यार ज़्यादा एमएस नहीं करते, चलो फटाफट से इस कॉन्सोल को यहाँ पे हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। हालांकि मैंने पहले अनबॉक्स कर रखा है क्योंकि मेरे से वेट नहीं होता उतना, ठीक है। तो मैंने अनबॉक्स की भी कर लिया, बहुत सारे गेम्स भी खेल लिया है। बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो तो मैं इसको आप लोगों के सामने एक और बार अनबॉक्स करने वाला हूँ और देखने वाले कि मेरे को इसमें क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले मैं आपको बॉक्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हो 1TB जेट ब्लैक लिखा हुआ है, इसका ये इसका वेरियंट है। यहाँ पे जो बंडल वर्जन आता है इस प्लेस्टेशन 4 के साथ वो यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा आपको कलेक्शन मिलेगा अनचार्टेड का। मतलब ये जो बंडल वेरिएंट है इसके साथ अनचार्टेड 1, 2, 3 एंड 4 आया हुआ था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अनचार्टेड द नेथन ड्रेस कलेक्शन गेम, मतलब कलेक्शन वेरिएंट। तो यहाँ पे मेरे को ये 4 गेम मतलब इस कॉन्सोल के साथ मिला है। साइड में आपको यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे आपको मतलब इस बॉक्स के साथ क्या क्या मिलने वाला है या फिर क्या क्या मिलने चाहिए। अगर कोई चीज़ मिसिंग होता है तो आप जो है सेलर को बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे ये मेंशन है बट आप मेरे को ये नहीं दे रहे हो, तो उस हिसाब से आप डील कर सकते हो। इस साइड में और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे कुछ और गेम्स दिया हुआ है जो कि यार ये बंडल वेरिएंट नहीं है। ये जस्ट लाइक एक यू नो मतलब एडवर्टाइजिंग टाइप का थिंग है। वीआर रेडी ऑफ कोर्स, आप प्लेस्टेशन के साथ वीआर का मजा ले सकते हो क्योंकि प्लेस्टेशन में बहुत सारे वीआर गेम्स हैं जिसको आप खेल सकते हो। तो अभी चलो इसको हम लोग निकाल लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है और मेरे को एक्चुअली में क्या क्या मिला है। ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। बॉक्स का जो ओपनिंग मैकेनिज्म है वो कुछ ज़्यादा यूनिक टाइप का है, देख सकते हो ऐसे ओपन हो जाता है। उसके बाद आपका ये जो PS4 है वो कुछ मतलब PS4 का जो बॉक्स है वो कुछ इस तरीके से निकल आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा वन हैंड वाला काम नहीं है बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ पूरा निकालने का। ये जस्ट एक कवर है, ठीक है। तो मैं बॉक्स को निकाल लेता हूँ। तो ये देख सकते हो ये जस्ट एक कवर है ऊपर का, जो कि यार नॉर्मल सा कवर है। और एक्चुअल बॉक्स ये है हमारा, एकदम वाइट बॉक्स, ठीक है। और देख सकते हो बॉक्स कितना छोटा है। हालांकि यहाँ पे मेरे पास पीसी भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो ये है मेरा पीसी। बट प्लेस्टेशन 4 इज़ लाइक टोटली कॉम्पैक्ट एक कॉन्सोल या फिर कॉम्पैक्ट एक डिवाइस है। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं, देखते हैं किस तरीके से मतलब किस साइड से यहाँ पे हमारा कॉन्सोल ओपन होता है। इस साइड से तो नहीं होता है बट नहीं, चलो पहले मैं आपको एक्सेसरीज दिखा देता हूँ इसका, ठीक है। तो ये कुछ इस साइड से निकल जाता है एक्सेसरीज, तो इसको हम लोग इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। ओ भाई ये गिरने वाला है। तो एक्सेसरीज़ में मेरे को हम लोगों को क्या मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सब कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें मैंने ड्रॉयर पे भी रखा हुआ है तो मैं आपको बेसिकली बता दूंगा कि क्या क्या मिलता है। तो ये हमारा एक्सेसरीज कंपार्टमेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ एक वायर मिलता है जो कि आपका पावर वायर है, ठीक है। ये देख सकते हो ये पावर वायर है, काफ़ी लंबा है। अगर ये बेसिक पावर वायर है, अगर ये ख़राब भी हो जाता है तो आपको ये इलेक्ट्रिक का दुकान में मिल जाएगा। बेसिकली बेसिक वायर है, यहाँ पे कोई जो होता है ना अर्थिंग वाला पोर्ट मतलब 3-पिन पोर्ट, वो 3-पिन पोर्ट नहीं है, ये 2-पिन पोर्ट है। तो आपको ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा, इसमें कोई अर्थिंग वाला पोर्ट नहीं दिया गया है। 2-पिन प्लग है, 3-पिन प्लग नहीं है, बेसिक चीज़ है। इसके साथ आपको मिलता है एक यू नो एक ईयरफोन मिलता है सोनी की तरफ से, वो भी 1 ईयर ईयरफोन मिलता है। वो मैंने कहीं पे रखा हुआ है, मेरे को अभी नहीं मिल रहा है, तो वो भी आपको मिलता है। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन है मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है प्लेस्टेशन 4 का एक बड़ा सा यूज़र मैनुअल या फिर आप इसको कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है तो अगर आप चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ये मिलता है। और आपको एक बड़ा सा एक और सेफ्टी गाइड बुक मिलता है जहाँ पे और भी सारी चीज़ें लिखा हुआ होगा, तो ये भी आपको मिलता है। बहुत सारा बुक है, हालांकि मैंने ये सारे बुक्स को एक बुक्स को भी नहीं पढ़ा है, ऐसे ही पढ़ा हुआ था तो मैं आपको दिखा दिया। उसके बाद आपको एक और पता नहीं क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, काफ़ी बड़ा है। तो ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंटेशन आपको वैसे भी समझ में नहीं आएगा, तो फटाफट से इसको रैपिड अप करके
साइड में रखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को मिलता है हमारा बिल, जो कि यहाँ पे वो फ्लिपकार्ट से खरीदा हुआ था। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का बिल भी है जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। और ये जो बिल है ये मेरे को सेलर ने दिया था जिससे मैंने खरीदा हुआ था, तो वो मेरे को दिया था। तो मेरे को सब कुछ यहाँ पे ओरिजिनल मिला है और ये वारंटी कार्ड है, हालांकि इसका वारंटी खत्म हो चुका है, बस चल यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके साथ मेरे को मिला है एक कंट्रोलर जो कि प्लेस्टेशन 4 का कंट्रोलर है। इसका कंडीशन भी देखो ठीक ठाक ही है। यहाँ पे जो रबर्स है मतलब थंब ग्रिप्स है वो भी सही जगह पे है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो बहुत बढ़िया है। और मेरे को प्लेस्टेशन 4 का, जैसे कि मेरा ये फर्स्ट कंसोल है, तो मेरे को प्लेस्टेशन 4 का कंसोल का एक मेन चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगा, जो कि अगर आप इसको ऑन करते हो, ठीक है, तो मैंने ऑन कर दिया तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ RGB लाइट्स ग्लो करता है। ये एक्चुअली में वाइट लाइट नहीं है, ये एक्चुअली में RGB लाइट है जो कि आपका गेम के हिसाब से चेंज होगा। अगर आपका गेम में लाइक बहुत सारे गेम इसको सपोर्ट करते हैं, तो लाइक अगर आपका गेम में कोई यहाँ पे वार्म सीन है तो यहाँ पे ऑरेंज ग्लो करेगा, अगर आपका कूल सीन है तो यहाँ पे ब्लू ग्लो करेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे एम्बियंटनेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है। तो कंट्रोलर मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। ये एक्चुअली काफ़ी लाइट वेट है, लाइक मेरा जो एक्सबॉक्स कंट्रोलर है देख सकते हो यहाँ पे, ये एक्चुअली बहुत ही हैवी है क्योंकि इसमें आपको बैटरीज लगाना पड़ता है यहाँ पे, डबल साइज़ का बैटरी, बट इसमें आपको बैटरी इनबिल्ट देखने को मिल जाता है और इसमें आपको बैटरी लगाना पड़ता है, तो इसलिए काफ़ी हैवी हो जाता है। बट PS4 का जो कंट्रोलर है ये बहुत ही लाइट वेट है, तो आप ऑलमोस्ट लाइक फील ही नहीं करोगे कि आपने हाथ में कुछ पकड़ रखा है। और दोनों का यहाँ पे अलग अलग एडवांटेज है क्योंकि प्लेस्टेशन 4 इनबिल्ट बैटरी के साथ आता है, तो आप इसका अगर बैटरी ख़राब हो जाता है तो आप उसको स्वाप नहीं कर सकते हो, बट एक्सबॉक्स का बैटरी अगर ख़राब हो जाता है तो आप इसको बैटरी को स्वाप करके दूसरा बैटरी लगा सकते हो। तो ये जो है काफ़ी एक बड़ा एडवांटेज है जो कि आपको प्लेस्टेशन 4 का कंट्रोलर में देखने को नहीं मिलता है। देन अगेन आपको प्लेस्टेशन 4 का कंट्रोलर में अलग से कोई बैटरी खरीदना नहीं पड़ता है, ये भी एक काइंड ऑफ एडवांटेज है। बट ये जो कंट्रोलर है ये 2 साल पुराना है, अभी तक इसका बैटरी जो है काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है मेरे हिसाब से। एंड सेलर ने बोला था ये जो कंसोल है वो यहाँ पे 2 साल पुराना है। बाकी मैं आपको अभी कंसोल दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मैंने इसको कितना में खरीदा है, ठीक है। पैकेजिंग लाइक बेसिक सही है जैसे होता है, एक लॉक टाइप का रहता है और ऐसे निकालना पड़ता है, उसके बाद आपको कंसोल कुछ इस तरीके से मिल जाता है। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं, तो ये रहा हमारा कंसोल, देख सकते हो कुछ इस तरीके का पैकेजिंग में है। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं और इसको भी निकाल लेते हैं। वाओ, काफ़ी कॉम्पैक्ट कंसोल है यार, मतलब एकदम स्क्वायर टाइप का डिज़ाइन में है, मतलब मैंने इसको उल्टा पकड़ा है तो एकदम स्क्वायर टाइप का डिज़ाइन में है, बहुत ही, यू नो, आई थिंक इसका वेट 1.5 किलो तो होगा ही, ठीक है, तो थोड़ा सा हैवी है बट नो मैटर, मतलब डजंट मैटर क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का कंसोल है एंड एकदम स्क्वायर टाइप का है, तो ये मतलब यू नो ट्रैवलिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा अगर आप कोई दूसरा फैमिली का रिश्तेदार का घर में जा रहे हो एंड आपको वहाँ पे भी गेमिंग करना है, तो आप इसको बैग में डाल के लेके जा सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है टू बी ऑनेस्ट। एंड कंसोल का डिज़ाइन मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, एकदम कुछ इस तरीके का डिज़ाइन में है और पीछे आपको सेम टू सेम इस तरीके का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो यार काफ़ी, मतलब डिज़ाइन जो है काफ़ी इनोवेटिव है एंड काफ़ी सिंपल रखा गया है, कोई यहाँ पे ग्लॉसी प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे टोटली यहाँ पे एक टेक्सचर टाइप का प्लास्टिक यूज़ किया गया है जिसकी वजह से यहाँ पे स्क्रैचेस नहीं आएगा या फिर बहुत कम आएगा टू बी ऑनेस्ट। तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। यहाँ पे मैं आपको इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। कंसोल का सामने आपको प्लेस्टेशन का लोगो देखने को मिल जाता है, उसको आप ओपन भी कर सकते हो, ओपन करके इसका जो है ना अंदर वाला पोर्शन है जहाँ पे इसका ब्लोअर है, मतलब जहाँ पे इसका हीट एग्जॉस्टिंग सिस्टम है, उसको आप क्लीन भी कर सकते हो इन केस अगर आपका बहुत ज़्यादा धूल पड़ गया है तो उसको आप क्लीन कर सकते हो। एंड सामने आपका प्लेस्टेशन 4 का लोगो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, सामने यहाँ पे प्लेस्टेशन 4 का लोगो है, यहाँ पे एक USB पोर्ट है, यहाँ पे एक USB पोर्ट है और यहाँ पे आपका जो डिस्क है वो यहाँ पे लग जाएगा, मतलब जो भी आप यहाँ पे डिस्क से खेलोगे गेम्स को वो यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ पे आपका पावर बटन दिया गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, पावर बटन और एजेक्ट बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, तो पावर बटन से आप इसको ऑन कर सकते हो एंड ऑफ कर सकते हो। एजेक्ट बटन से आपका जो CD है वो यहाँ पे एजेक्ट कर सकते हो, CD नहीं बोलूँगा, DVD आई गेस, मे बी ब्लू रे डिस्क है तो उसको आप निकाल सकते हो। पीछे आपको यहाँ पे एक ऑक्स कनेक्टर देखने को मिल जाता है, एक्स्ट्रा आपका कोई भी यहाँ पे ऑडियो डिवाइस के लिए आई गेस। इसके साइड में आपको एक HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है जिसके जरिए आप इसको मॉनिटर या फिर यू नो TV के साथ कनेक्ट करोगे। एंड आउटपुट में सिर्फ यहाँ पे आपको एक ही HDMI देखने को मिल जाता है और इसके साइड में एक LAN पोर्ट दिया गया है इन केस अगर आप इसको यू नो अपना इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो तो आप जो है LAN पोर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हो, और इन केस अगर आप LAN पोर्ट से कनेक्ट नहीं करना चाहते हो तो इसमें जो वाईफाई भी दिया गया है, वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों ही हैं, तो यहाँ से आप वाईफाई के जरिए अपना जो यू नो इंटरनेट है उसको यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर ब्लूटूथ यहाँ पे जो यहाँ पे डिवाइस मिलता है ब्लूटूथ के जरिए आप यहाँ पे ब्लूटूथ हेडफोन नहीं कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ब्लूटूथ के जरिए आप जो ब्लूटूथ जो यहाँ पे कंट्रोलर है वो एक्चुअली में ब्लूटूथ से यहाँ पे कनेक्ट होता है,
तो यहाँ पे कंट्रोलर्स को जो है ब्लूटूथ के जरिए यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको वाईफाई ब्लूटूथ दोनों ही मिल जाता है, और यहाँ पे आपको आपका जो वो है ना, मतलब पावर इनपुट है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे पीछे की तरफ यहाँ पे बहुत सारे एक्सबॉक्स ट्रायंगल जीरो जो स्टैंड ऑफ्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, जिसके ज़रिए यहाँ पे आप जो है इसको कोई भी सरफेस में कुछ इस तरीके से रखने वाले हो। और ये आपका डेस्क में काफ़ी ज़्यादा जगह नहीं लेते, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप डेस्क में कुछ इस तरीके से भी रखते हो तो ये इतना ही जगह लेते हैं, और बेसिकली सारे लोग यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से रखते हैं। मैं भी इसको कुछ इस तरीके से रखा है, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पे वर्टिकली रखते हो तो इसके लिए आपको स्टैंड का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि मेरे पास नहीं है। स्टैंड के बिना भी रख सकते हो, बट वो जो है काफ़ी रिस्की सा हो जाता है। तो प्लेस्टेशन 4 का ये यू नो ओवरव्यू टाइप का था, और इसके साथ मेरे को कुछ गेम सीरीज़ भी मिला है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या गेम सीरीज़ मिला है। मेरे को मिला है ये अनचार्टेड 4, ठीक है, अनचार्टेड 4 द लॉस्ट लेगेसी मेरे पास आई एस नहीं अ थीव्स एंड ये मेरे को मिला है। इसके बाद मेरे को मिला है स्पाइडरमैन, एक्चुअली मैंने इसको एक्सचेंज किया, ठीक है, मेरे को स्पाइडरमैन नहीं मिला था, मेरे को एक्चुअली में गॉड ऑफ वॉर मिला था, तो मैंने गॉड ऑफ वॉर कंप्लीट करके मैंने दोस्त को दे दिया, वो अभी गॉड ऑफ वॉर कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बदले मेरे को वो स्पाइडरमैन वाला ये जो सीडी है वो यहाँ पे दिया है। तो मैं फिलहाल के टाइम में स्पाइडरमैन खेल रहा हूँ, एंड साथ में ये जो अनचार्टेड का 1, 2, 3 जो कलेक्शन है वो यहाँ पे मिला है, सारे के सारे यहाँ पे आई गेस रीमास्टर्ड है, आई गेस नहीं है, बट जो भी है यहाँ पे आपको मेरे को अनचार्टेड 1, 2, 3 एक डिस्क में मिला है। तो ये 3 सीडी मेरे को मिला है, जो कि यार काफ़ी वैल्यू फॉर द मनी चीज़ था, मतलब डील था मेरे हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने प्लेस्टेशन 4 कितना में ख़रीदा है। तो ये जो प्लेस्टेशन 4 है, एक बंदा था ओएलएक्स पे जिससे मैंने मेरा बात हुआ था, मतलब कि वो लोकल का ही था, तो काफ़ी दिनों बात चला, उसके बाद वो जो है हमारा डील हुआ 13,000 रुपीज़ में। अब 13,000 रुपीज़ में मेरे को लगा काफ़ी बढ़िया डील है, क्योंकि अगर 13,000 रुपीज़ में अगर आप पीसी बिल्ड करने वाले हो तो भाई आपका पीसी का एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रोसेसर ही नहीं आएगा, या फिर एक अच्छा खासा ग्राफिक कार्ड ही नहीं आएगा। जहाँ पे 13,000 रुपीज़ में मेरे को ये पूरा का पूरा कंसोल मिल रहा था, विद गेम्स, विद 1 TB हार्ड ड्राइव, जिसको आप यहाँ पे स्वैप भी कर सकते हो, 2 TB भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे को 1 TB हार्ड ड्राइव विद गेम्स एंड प्लेस्टेशन 4 पूरा कंसोल मिल रहा था, प्लस यहाँ पे ये जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर ही अगर आप अलग से खरीदने जाओगे, मतलब नया तो यहाँ पे आपको 4,000 रुपये का पड़ेगा। तो 4,000 रुपये माइनस कर दो और एक हार्ड ड्राइव का 2,000 रुपये माइनस कर दो तो कितना हुआ, 6,000 रुपये, और गेम्स का चलो पकड़ के चलो यहाँ पे 1,500 रुपये, तो 7,500 रुपये तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेसरीज टाइप का ही हो गया, ठीक है। बाकी कंसोल का प्राइस तो कितना हुआ फिर उस हिसाब से, लाइक 13, मतलब 5,000-6,000 रुपये हुआ होगा। तो यहाँ पे टोटल 13,000 रुपीज़ में मेरे को लगा बहुत ही बढ़िया डील, मेरे को ग्रैब करने चाहिए। अब मैं मतलब जब यहाँ पे प्लेस्टेशन 4 ख़रीदा था तो बहुत सारे लोगों का मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मेरे को आया था, या फिर यू नो ओपिनियन आया था कि भाई अभी तो प्लेस्टेशन 5 निकल चुका है, तुम प्लेस्टेशन 4 क्यों ले रहे हो, भाई तुमने प्लेस्टेशन 4 क्यों लिया है, तुम्हारे पास तो पीसी ऑलरेडी है, भाई प्लेस्टेशन 4 बहुत महंगा, मतलब बेकार होता है, कॉन्सोल बहुत बेकार होता है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे बहुत सारा ओपिनियंस आया था। तो मैं आपको बता दूँ कि प्लेस्टेशन 4 मैंने इसलिए लिया, मैं आपको रीज़न बताता हूँ मैंने किस लिए लिया। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि प्लेस्टेशन 4 में जो गेम्स आते हैं, लाइक गॉड ऑफ वॉर टाइप के गेम्स, इनफेमस, अनचार्टेड सीरीज़, उसके बाद लास्ट ऑफ अस, उसके बाद और भी बहुत एक्सक्लूसिव गेम्स हैं जो कि पीसी में नहीं आते हैं, लाइक आता भी है तो 1-1.5 साल बाद आता है, ठीक है, उतना वेट करने का मेरे पास उतना टाइम नहीं है एंड उतना पेशेंस भी नहीं है। लाइक रेड डेड रिडेम्पशन जो प्लेस्टेशन 4 में रिलीज़ हुआ था, लाइक बहुत साल पहले रिलीज़ हुआ था, बट पीसी में वही गेम आया 1 साल बाद, तो मेरे को 1 साल वेट करना पड़ा सेम गेम जो कि प्लेस्टेशन 4 में है उसको पीसी में खेलने के लिए, तो 1 साल वेट करना पड़ा, तो उतना वेट भाई मेरे से नहीं होता है। एंड प्लेस्टेशन 4 में मेरा मेन रीज़न प्लेस्टेशन 4 लेने का ये था कि मेरे को गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि एक भी गेम्स मैं मतलब मिस करूँ, तो इसलिए मैंने प्लेस्टेशन 4 लिया। एंड मेरे को सारे के सारे एक्सक्लूसिव गेम्स का सीडी मिला है, ऐसा नहीं है कि जो गेम्स यहाँ पे पीसी में है वही गेम्स मेरे को मिला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को सारे के सारे एक्सक्लूसिव गेम्स का सीडी मिला, इसलिए मैंने ये वाला प्लेस्टेशन 4 को लिया है। तो इसलिए मेरे को लगा कि भाई बहुत ही अच्छा डील है तो मैं ले लेता हूँ। तो जो पहला रीज़न है वो मैंने एक्सक्लूसिव गेम्स खेलने के लिए जो कि पीसी में नहीं आता है, और मेरा मानना था प्लेस्टेशन 4 का जो गेम्स है वो लाइक अलग ही एक्सपीरियंस देता है आपको, जो स्टोरीज होता है, जो गेम प्ले होता है बहुत ही इमर्सिव होता है एंड बहुत ही बढ़िया आपको एक्सपीरियंस देता है, जो कि पीसी गेम्स कोई पीसी गेम्स नहीं दे पाता है, लाइक बहुत ही कम पीसी गेम्स है जो कि आपको कंसोल वाला यहाँ पे फीलिंग देगा। जैसे कि एक गेम्स थोड़ी दिन पहले आया हुआ था पीसी में जो कि था स्टार वॉर्स जेडाई फॉलन ऑर्डर, ठीक है, तो वो गेम जो है कुछ कॉन्सोल्स टाइप का वाइब दे रहा था, क्योंकि वो जो एकदम सिंगल प्लेयर स्टोरी बेस्ड गेम था जहाँ पे कोई भी नया परचेज नहीं था, जहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं था, एक सिंगल प्लेयर टोटल गेम था, तो जो कि मेरे को खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड टू बी ऑनेस्ट पीसी में उस तरीके का गेम्स है ना बहुत कम आता है, लाइक बहुत ज़्यादा कम आता है, ज़्यादातर जी यहाँ पे वॉच डॉग्स तो आता है, एसांस क्रीड आता है,
बट वो सारे गेम्स गॉड ऑफ वॉर को मैच नहीं कर सकता, टू बी ऑनेस्ट वो सारे गेम्स अनचार्टेड को मैच नहीं कर सकता है। लाइक कॉन्सोल्स का गेम कॉन्सोल्स का गेम्स ही होता है, और अगर आपको पता है ये इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि जो कॉन्सोल्स का गेम्स है उसको खेलने में कितना मज़ा आता है। भले आप इसको 30 एपीएस में खेल रहे हो, 40 एपीएस में खेल रहे हो, आपके पास एक प्लेस्टेशन 4 प्रो है या फिर आप एक PS4 नॉर्मल है, आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा इवन आपको 30 एपीएस में बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि 30 एपीएस में प्लेस्टेशन 4 में खेलने में उतना बुरा नहीं लगता है। क्योंकि अगर आप प्लेस्टेशन 4 में खेल रहे हो तो आप जो माउस कीबोर्ड से ऑब्वियसली नहीं खेलोगे, तो आपको जो उतना क्विक मूवमेंट का ज़रूरत नहीं है, आपका जो कंट्रोलर है उसमें एक लिमिटेड एक्सेस दिया हुआ होता है, तो अगर आप कंट्रोलर का जो कंट्रोलर है मतलब जॉयस्टिक्स है उसको आप घुमाओगे तो वो एक सर्टेन स्पीड से आपका कैमरा मूवमेंट करेगा। पीसी की तरह नहीं कि आप माउस यहाँ से यहाँ फटाक से खींच लिया और आपका जो कैमरा है वो फटाक से यहाँ पे मूव हो गया, तो उसके लिए ज़्यादा FPS का ज़रूरत पड़ता है। बट अगर आप इवन PC में भी कोई गेम्स खेलते हो मतलब कंट्रोलर से, तो आपको उसी तरीके का सेम ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम एक्सपीरियंस यहाँ पे फील होगा। सेकंड रीज़न ये है कि मैंने इसको 13,000 रुपये में ख़रीदा है, एंड टू बी ऑनेस्ट 13,000 रुपये में PlayStation 4 वो भी 1TB वेरियंट इतने सारे गेम्स के साथ इतना अच्छा कंडीशन में बैंग फॉर द बग डील है, तो इसलिए मैंने ख़रीदा है। तो अगर आप 13,000 रुपये में कोई PC बिल्ड करने जाओगे या फिर कोई PC का एक पार्ट भी खरीदने जाओगे तो भाई आप समझ सकते हो कि यू आर आउट ऑफ द लाइन, मतलब गेमिंग से बहुत ज़्यादा दूर हो। 13,000 रुपये में आपका जो PC आप बनवाओगे वो आपको गेमिंग करवा ही नहीं पाएगा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो कॉन्सोल्स आपको इतने अच्छे अच्छे गेम्स प्रोवाइड कर रहा है 13,000-14,000 रुपये में अगर आप सेकेंड हैंड डील्स खरीद ढूंढते हो, तो 13,000-14,000 रुपये में मेरे हिसाब से कॉन्सोल्स लेना बहुत ही ना वर्थ इट वाली डील है, क्योंकि इसमें आपको इतने सारे गेम्स मिल रहे हैं, वो सारे गेम्स में जो है बहुत अच्छे अच्छे तरीके से चल रहे हैं, एंड मतलब खेलने ही बहुत मज़ा आता है, क्योंकि सोनी जो है उनके गेम्स में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। मतलब जो डिटेलिंग वो लोग ऐड करते हैं ना कॉन्सोल्स के गेम्स हैं बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, जो कि PC में बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब अगर आपको सस्ते प्राइस में मिलता है 13,000-14,000 रुपये में, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास उतना से ज़्यादा पैसा नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको कॉन्सोल में स्पेंड करनी चाहिए, क्योंकि स्टिल आप जो गेमिंग कम्युनिटी में आ रहे हो, कॉन्सोल्स में भी हो PC में भी हो, PC आपको 20,000 रुपये में भी बनाओगे तो उतना अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जितना आपको एक कॉन्सोल प्रोवाइड कर पाया, क्योंकि जो गेम्स कॉन्सोल्स में आता है वो कॉन्सोल्स के लिए यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड होता है। PC में जो है आप जितना मतलब महंगा महंगा हार्डवेयर लगाओगे उतना बेटर परफॉर्म करेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप जो है PC बनवा सकते हो। बट 13,000-14,000 रुपये में मेरे हिसाब से कॉन्सोल बाई करना बहुत ही बढ़िया डील है। थर्ड रीज़न ये है कि मेरे को एक PlayStation 4 का कंट्रोलर चाहिए था, क्योंकि मेरे को PlayStation 4 का कंट्रोलर जो है बहुत बढ़िया लगता है, टू बी ऑनेस्ट। इसमें आपको बहुत मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स दिया गया, जैसे कि ये जो बार है ये टोटली टच बार है, तो उसको मैं टच भी कर सकता हूँ और यहाँ पे क्लिक भी कर सकता हूँ, ये माउस की तरह भी काम करता है, और इसका जो लाइट है वो भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे Xbox जो कंट्रोलर है उससे मेरे को PlayStation का जो यहाँ पे कंट्रोलर का डिज़ाइन है एंड जो फीचर्स है वो ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने मेरे को एक PlayStation 4 का कंट्रोलर भी चाहिए था। तो मैंने ये PS4 वाला डील देखा तभी जब मैंने इसको खरीद लिया, तो मेरे को कंट्रोलर भी मिला जिसको मैं PC के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ DS4 सॉफ्टवेयर के साथ। तो अगर आपके पास एक PC है तो आप जो है कंसोल का जो कंट्रोलर है उसको PC के साथ कनेक्ट करके भी खेल सकते हो, ये आपका एक एडवांटेज हो जाता है, इसलिए भी मैंने खरीद लिया है। और अगर आप कंपेयर करते हो PlayStation 4 को या फिर कंसोल्स को PC से, तो मैं आपको बता दूं कि कंसोल्स जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं और इसमें जो है लाइक मोबाइल टाइप का डिवाइस लगा हुआ होता है, मतलब हार्डवेयर लगा हुआ होता है, जो कि पावर ड्रॉ जो है बहुत कम करता है। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो लाइक एक बहुत ही हाई डिमांडिंग गेम्स खेल रहे हो आप अपना PS4 में, फिर भी PS4 जो है अप टू 90 वाट तक यहाँ पे खेल सकता है, जो कि PC से बहुत कम मतलब पावर कंजम्पशन है। PC अगर आप चलाते हो तो उसमें जो है 250 वाट से ज़्यादा यहाँ पे कंज्यूम करता है, ठीक है। उस हिसाब से कॉन्सोल जो है बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंसी, अगर आप कोई भी गेम्स खेल रहे हो इसमें मतलब एनीथिंग यू आर प्लेइंग, तो कॉन्सोल्स जो है यहाँ पे 90 वाट से लेकर 100 वाट तक मैक्सिमम ड्रॉ करेगा। 100 वाट मैंने अभी तक नहीं देखा है, मेरे पास एक पावर सप्लाई मतलब UPS पड़ा हुआ है जहाँ पे आप जो है वॉच को मेजर कर सकते हो, तो मैंने इसका मॉनिटर के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया एंड टोटल यहाँ पे वॉट जो आ रहा था वो मैक्सिमम 80-90 वाट्स आ रहा था मॉनिटर को लेके, कि मॉनिटर अपना जो है 20 वाट्स लेता है, तो यहाँ पे विदाउट मॉनिटर ये जो कॉन्सोल है वो यहाँ पे सिर्फ 60-70 वाट यहाँ पे कंज्यूम करता है, विच इज़ वेरी वेरी एफिशिएंट। अगर आप यहाँ पे कॉन्सोल में गेमिंग करते हो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा कमाएगा, टू बी ऑनेस्ट PC से बहुत ज़्यादा कमाएगा, ऑलमोस्ट लाइक आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो पावर कंजम्पशन है वो लाइक एक फ़ैन के बराबर है। अगर आप अपने घर में फ़ैन चलाते हो तो उतना ही पावर यहाँ पे एक कंसोल यहाँ पे कंज्यूम करता है, मैंने खुद यहाँ पे मेजर करके देखा है। तो इन टर्म्स ऑफ पावर एफिशिएंसी कंसोल जो है बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट होता है, तो आप जो है इसको बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हो विदाउट वरिंग योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके बाद फिफ्थ रीज़न की बात करें तो अब जब यहाँ पे PlayStation 4 बहुत यहाँ पे पुराना हो चुका है, PlayStation 5 हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि PlayStation 4 में अब गेम्स नहीं आएगा। अभी भी यहाँ पे PlayStation 4 जिंदा है, PlayStation 4 में बहुत ज़्यादा गेम्स आने वाले, मतलब अभी भी बहुत सारा गेम्स आने वाले हैं,
जो लोग यहाँ पे बोल रहा था कि PS5 क्यों नहीं लिया, भाई PS5 अभी यहाँ पे कॉस्ट कर रहा है 60,000 रुपीज़। तो आपको क्या लगता है, 60,000 रुपीज़ अगर मेरे पास होता तो मैं कौन सा प्लेस्टेशन 4 थोड़ी लेता, मैं ग्राफिक कार्ड ले लेता भाई, 3070 ले लेता मे बी, तो वो बात हो जाता। तो मेरे को PlayStation 5 भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बट उसका प्राइस जो है अभी थोड़ा सा हाई है, मतलब एकदम परफेक्ट प्राइस पे नहीं मिल रहा है। एंड मेरा कोई यहाँ पे इंटेंशन नहीं था कि मैं PS5 लूँ, क्योंकि मेरे को ज़रूरत ही नहीं था। मैंने PS4 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे PS4 मेरे को बहुत कम प्राइस में मिल रहा था, और PS4 में अभी बहुत सारे गेम्स आना बाकी हैं। एंड बहुत सारे लोग PlayStation 4 को अभी इसलिए ले रहे हैं कि उसको जेल ब्रेक कर पाए, तो भी आना जेल ब्रेक करना आप भूल ही जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो PlayStation 4 है अभी, अगर आपको कोई भी PlayStation 4 मिल रहा है तो या तो वो लेटेस्ट फर्मवेयर के साथ आ रहा है, अगर आप नया लेते हो तो लेटेस्ट फर्मवेयर के साथ आएगा, और अगर आप यूज्ड या फिर सेकंड हैंड लेते हो तो भी आपको लेटेस्ट फर्मवेयर के साथ मिलेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे उसमें गेम्स करते हैं, ज़्यादातर लोगों को जेल ब्रेक के बारे में पता नहीं है, तो वो लोग जो है अपना फर्मवेयर को अपडेट कर देते हैं, और जिन लोग यहाँ पे जेल ब्रेक के बारे में पता है वो लोग भी यहाँ पे अपग्रेड कर देता है। एज एन एग्जांपल मैंने अपग्रेड कर दिया है, मेरा ये जो PlayStation 4 था इसका फर्मवेयर वर्जन था 7.55, तो मेरे से उतना वेट नहीं हो, क्योंकि एक एक जेल ब्रेक आने में 2-2.5 साल तो लग ही जाता है, उतना कौन वेट करेगा, है ना। तो इसलिए मैंने इसका जो फर्मवेयर है उसको यहाँ पे 8.01 पे अपग्रेड कर दिया है। एंड अगर आप यहाँ पे फर्मवेयर अपग्रेड नहीं करते हो तो आप जो PlayStation का जो स्टोर है उसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो इसलिए मैंने इसका जो फर्मवेयर है उसको अपग्रेड कर दिया है। तो अगर आप भी यहाँ पे PlayStation 4 लेने का सोच रहे हो अभी के मार्केट में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है, मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी PC है और आप भी मेरे तरह कुछ एक्सक्लूसिव गेम्स को खेलना चाहते हो PlayStation 4 में, मतलब PlayStation 4 का कुछ एक्सक्लूसिव गेम्स खेलना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा कि आप जो है सेकंड हैंड डील ढूंढो, उसको जो है एकदम बहुत अच्छे तरीके से चेक वगैरह करके लो, उसका कंडीशन देख लो, उसके बाद ही जो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आप सेलर को बताओ कि मैं इतना दे पाऊँगा। बट मेरे हिसाब से अभी के मार्केट में अगर आप एक PlayStation 4 ले रहे हो तो आपको जो है 14,000-15,000 रुपीज़ के ऊपर बिल्कुल नहीं जाने चाहिए, अगर मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ आपको एक PlayStation 4 के लिए पे करना चाहिए, अगर वो वॉन्टी वाला वेरिएंट है, क्योंकि नया प्राइस जो है PlayStation 4 का 27,000 का चल रहा है, और उस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एक बंदा एक PlayStation 4 लेके 1-2 साल तो यूज़ करेगा ही, है ना। उस हिसाब से अगर आप देखो और उसका अगर कंडीशन अच्छा रहता है, तो जैसे कि मेरे को ये 13,000 रुपीज़ का मिल गया है, और आपको भी शायद इस तरह का डील मिल सकता है, अगर आपको नहीं मिलता है लाइक 20,000 रुपीज़ का डील मिलता है, तो मैं बोलूँगा कि आप जो है उसको बिल्कुल ना लें। आपको जो है मैक्सिमम एक PlayStation 4 के लिए आई थिंक 15,000 रुपीज़ पे करना चाहिए, और आई गेस इस मार्केट में आपका PlayStation 4 14,000-15,000 रुपीज़ में आराम से देखने को मिल जाएगा। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि PlayStation 4 का बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, फैट वेरिएंट आता है, उसके बाद स्लिम वेरिएंट आता है, उसके बाद प्रो वेरिएंट आता है। प्रो वेरिएंट अभी भी 18,000-17,000 का चल रहा है, 20,000 का चल रहा है, क्योंकि प्रो वेरिएंट में आपको 4K मिलता है और आपको 60 FPS मिलता है, जो कि आपको PlayStation 4 में नहीं मिलता है। बट उतना भी माथामारी करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास 4K मॉनिटर नहीं है, और ज़्यादा लोग डोंट इवन केयर फॉर दी 60 FPS। मैं तो उतना केयर नहीं करता हूँ, पहले केयर किया था कि भाई इतना स्लो चल रहा है, बट देन अगेन मेरे को भी हैबिचुएटेड हो गया तो मैं उतना केयर नहीं किया उसका। और अगर आपको फैट वेरिएंट मिलता है तो फैट वेरिएंट के लिए आप 10,000 रुपये बोल सकते हो, क्योंकि फैट वेरिएंट सबसे पहला मॉडल था, और बेसिकली यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हो फैट वेरिएंट और PlayStation 4 स्लिम वेरिएंट में, तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि PS4 स्लिम में आपका जो गेम्स चलेगा वो फैट वेरिएंट में नहीं चलेगा, सारे PS4 में सारे गेम्स चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ लुक्स एंड थोड़ा बहुत ओवरऑल अपग्रेडेशन एंड जो कूलिंग सिस्टम है उसको यहाँ पे चेंज किया गया है। तो अगर आपका स्लिम वेरिएंट यहाँ पे मिलता है तो आप जो है 14-15 का बहुत आराम से पे कर सकते हो, और अगर आप बजट में शॉर्ट हो और आपको सिर्फ PlayStation 4 एक्सपीरियंस करना है और आपका बजट है अराउंड 10,000-11,000 रुपीज़, तो आप जो है एक PS4 फैट यहाँ पे ढूंढ सकते हो, 500 GB हार्ड ड्राइव भी ढूंढ सकते हो, बेसिकली 500 GB 1TB वाला जो वेरिएंट होता है वो लाइक उतना माथामारी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है इसका हार्ड ड्राइव को स्वॉप कर सकते हो, स्वॉप करके जो अपना हार्ड ड्राइव लगा सकते हो, अगर आपके पास 1TB वाला हार्ड ड्राइव है, जो लैपटॉप का हार्ड डिस्क होता है ना वही इसमें लग जाता है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक लैपटॉप का हार्ड डिस्क या फिर एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है तो उसको आप जो है काम में ले सकते हो अपना स्टोरेज को यहाँ पे एक्सपैंड करने के लिए। तो भाई मैंने आपको बता दिया कि मैंने PlayStation 4 क्यों लिया है, एंड आप भी क्यों ले सकते हो PlayStation 4। मेरे हिसाब से आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ, और बेसिकली इसके PlayStation 4 के ऊपर और भी वीडियोज आने वाले हैं इन फ्यूचर, क्योंकि मैंने अभी ये वाला PlayStation 4 कंसोल ले लिया है, इसमें मैं बहुत सारे गेम्स खेलने वाला हूँ, तो थोड़ा बहुत अपना भी एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे और वो जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और बेसिकली अभी देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं, मतलब बहुत दिनों से अभी ट्राई कर ही रहा हूँ। और PlayStation 4 लेने का यही फ़ायदा होता है कि आप जो एक्सक्लूसिव गेम्स खेल सकते हो और टोटली ऑफलाइन खेल सकते हो, आपको कुछ भी यहाँ पे ऑनलाइन वेरिएशन का ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ CD डालो उसको इंस्टॉल करो और खेल लो, और आप यहाँ पे CDs अपने दोस्तों के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हो, बहुत सारे चीज़ कर सकते हो, और इसके ऊपर भी मैं इन फ्यूचर बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ,
प्लेस्टेशन 4 के ऊपर अगर आप गेम्स वगैरह खरीदना चाहते हो या फिर गेम एक्सचेंज करना चाहते हो तो वो किस तरीके से काम करता है, या फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग प्लेस्टेशन 4 या फिर कॉन्सोल्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो इन दिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही मैं घंटा लगाऊंगा दबा दें अगर आप आने वाले वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहते हो, क्योंकि प्लेस्टेशन 4 से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले, क्योंकि PS5 आ चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लेस्टेशन 4 डेड है, इट्स स्टिल अलाइव। अगर आप यहाँ पे सेकंड हैंड मार्केट में ढूंढ रहे हो, इट्स स्टिल अलाइव फॉर यू, क्योंकि हमेशा जो नया आता है वो आपको लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, अनलेस यू आर वेरी डेस्परेट टू गेट दैट, तो आप जो है प्लेस्टेशन 4 से भी खुश रह सकते हो, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे गेम्स हैं जो कि शायद आपने नहीं खेले हैं, और मैंने तो खेला ही नहीं है क्योंकि मैं PC गेमर था, मतलब हूँ अभी भी, बट मेरे को प्लेस्टेशन 4 भी यहाँ पर एक्सपीरियंस करना है। सो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग इस तरह का वीडियोस हमेशा इस चैनल में लाते रहते हैं, एंड मैं आपसे एक और ऐसी प्लेस्टेशन 4 या फिर कॉन्सोल्स वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए यार बाय बाय।